कई बार कई स्थानों पे कई जगह मैं आपको याद करते रहता हूँ। ऐसी एक घटना अभी हाल ही में पालीतना में हुई थी। पालीतना में एक छोटा सा हॉल था और उस हॉल में मैं जमीन पर बैठा हुआ था। मेरे सामने चार फीट दूरी पर कई साधवियाँ बैठी थी, कई मुनि बैठे थे, कई साधु बैठे थे और वह आत्म अनुभूति ग्रहण करने की इच्छा से बैठे थे। उनकी इच्छा शुद्ध थी, उनकी भावना शुद्ध थी, लेकिन मैं देने के स्थिति में नहीं था। देने की स्थिति में इसलिए नहीं था, जिस प्रकार से एक गाड़ी के अंदर जब हम देखते हैं कि पेट्रोल समाप्त हो जाता है तो हम एक टंकी में पेट्रोल लेके आते हैं और उस पाइप से उस टंकी का पेट्रोल कार में प्रवाहित करते हैं, लेकिन प्रवाहित करने के लिए हमको उस टंकी को ऊपर उठाना पड़ता है। जितने ऊपर उठाएंगे उतने ही तेजी से पेट्रोल कार में भरा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मुझे डिस्टेंस चाहिए था, मुझे अंतर चाहिए था। इतने करीब बैठे थे, इतने पास बैठे थे, चार फीट के अंतर में बैठे थे, तो देने के लिए भी मुझे एक दूरी की आवश्यकता थी, एक डिस्टेंस की आवश्यकता थी। इसको इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि मैं एक साइकिल का पंप हूँ तो साइकिल के पंप में हवा नहीं होती। साइकिल का पंप हवा को ग्रहण करता है और ग्रहण करके बाद में आपके साइकिल के चक्के में भरता है। ठीक उसी प्रकार से मैं ऊर्जा को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करके फिर प्रवाहित करता हूँ, लेकिन ग्रहण करने के लिए मुझे स्पेस की आवश्यकता है, मुझे अंतर की आवश्यकता है, मुझे डिस्टेंस की आवश्यकता है, मुझे जगह की आवश्यकता है। जो जगह वहाँ पे नहीं थी, एकदम चार फीट अंतर के ऊपर बैठे हुए थे, तो एक रास्ता निकाला, एक मार्ग निकाला। मैंने अपने आप को चित्त से तीन मंजिल ऊपर लेके गया और तीन मंजिल ऊपर ले आके वहाँ से शिविर का संपादन किया। वहाँ से शिविर संपन्न हुआ और सबको अच्छी अनुभूति, सबको अच्छा अनुभव हुआ। यानी देने के लिए आपको ऊपर उठना ही पड़ेगा। जब तक आप ऊपर उठते नहीं तब तक आप दे नहीं सकते। तो मुझे उसी समय आपकी याद आई, जिस प्रकार से मुझे देने के लिए तीन मंजिल ऊपर जाना पड़ा और तीन मंजिल ऊपर चित्त रख के जब चेतना प्रवाहित की तब वो चेतना को ग्रहण कर सका और प्रवाहित कर सका। उस दिन आपकी याद इसलिए आई कि आप मेरे करीब आने के लिए, मेरे पास आने के लिए लालायित रहते हैं। प्रत्येक की इच्छा रहती है, प्रत्येक का मन रहता है कि मेरे पास आए, मेरे करीब आए, लेकिन करीब आने में खतरा है। खतरा इसलिए है, जिस प्रकार से मैं तीन मंजिल ऊपर जाके ले पाया वैसे ही तीन मंजिल नीचे रहकर आपको लेना पड़ेगा। अगर तीन मंजिल नीचे जाकर नहीं ले सके तो शरीर से समकक्ष होके कोई घटना घटित नहीं हो सकती। दोनों शरीर समान स्थिति में है, दोनों शरीर समकक्ष है, तो कुछ भी प्रक्रिया घटित नहीं हो सकती। देने के लिए जिस प्रकार तीन मंजिल ऊपर जाना पड़ा, ठीक उसी प्रकार से देने के लिए भी आपको तीन मंजिल नीचे जाना पड़ेगा। अगर तीन मंजिल नीचे जाना पड़ेगा यानी जब भी करीब आते हो, जब भी कभी इस शरीर के पास आते हो, जब भी कभी इस शरीर के सानिध्य में आते हो, जब भी कभी इस शरीर के साक्षात दर्शन करते हो, उस समय आपकी स्थिति
3 मंजिल नीचे समर्पित होनी चाहिए।